गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी 2:30 बज रहा है और आज जुम्मा भी है, रोज़ा भी शुरू हो गया है और आज गर्मी भी बहुत है। तो 11 बजे अबू और अम्मी हज में जा रहे हैं, तो उन लोग को लेके गए थे, काफ़ी सारा टेस्ट करना था, कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा उन लोग को यहाँ से। तो अभी जा रहे हैं वही मिशन हॉस्पिटल, सारा टेस्ट का रिपोर्ट दे दिया था, ECG का, खाली ब्लड रिपोर्ट बचा हुआ था। तो वही जाते हैं, वही लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल कैसा है। ये है मिशन हॉस्पिटल। पहले अच्छा खासा भीड़ होता था, अब तो नहीं के बराबर भीड़ होते हैं। दोनों का बुक ले लिए, इसी से शायद वो रिपोर्ट देख के देंगे। अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर लोग बैठते हैं और इस साइड यहाँ पे ब्लड, ये पीछे साइड हॉस्पिटल का, इधर पेशेंट लोग का रूम है, इधर पार्क है। दोनों को रिपोर्ट मिल गया, कुछ वैसे मांगा नहीं अम्बू को, कुछ नहीं। अब जाते हैं अम्बू को देखने। वैसा कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं होता, इसलिए यहाँ भीड़ ही नहीं होता है, मतलब मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे फैसिलिटी सब तो अच्छा है। हम लोग का घर के पीछे का फॉरेस्ट, वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं, 5 बज गया, असर का नमाज पढ़े और अभी 1 घंटा जितना बचा हुआ है रोज़ा खोलने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं, हम जुनैद अरशद भाईन वॉकिंग करने घर के पीछे, ये वही उसका फॉरेस्ट है। काजी बोलो कुछ। हाँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बगीचा, फॉरेस्ट, बगीचा, चलते हैं। ये है फॉरेस्ट, यहाँ रिसर्च सेंटर है अंदर में। असद भाई नहीं है, ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अभी ले चलेंगे आपको अंदर रिसर्च सेंटर दिखाने। आपका ट्यूशन सर कहाँ? ट्यूशन सर हैं यहीं हैं, यहाँ हैं या शायद रांची से हो गए, बहुत दिन से दिखे नहीं। इसके अंदर में जाते थे असद भाई ना, समझ भाई ट्यूशन पढ़ने। पवन, पवन सर नाम, कंप्यूटर पढ़ाते थे और साइंस। और ये जो घर है, ये जो घर है मिट्टी का घर, हम बदमाशी करते थे तो वो देखिए वहाँ सफ़ेद है, वो हम लोग का घर है, वहाँ से ला के बांध देते थे हमको जाहिद अबू पनिशमेंट में। पनिशमेंट समझे बाबू, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। कब? जब तुम, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। छोटा में हम लोग यहीं खेलने के लिए आया करते थे, उस समय तो ये सब ज़्यादा पेड़ था यहाँ पर, ये सब बिल्डिंग सब भी नहीं बना हुआ था। क्या याद है ना? ये तो नहीं था, क्रिकेट खेलते तो थे हम लोग फिलहाल में यहाँ पर, किसान वजन पे खेलते थे याद है। पूरा डाइव मारते थे, रोड में पाउडर लगा के आते थे, सफेद दिखे। यहाँ पर आम का बहुत सा पेड़ था, अभी तो बहुत सा कट गया। यहीं आते थे हम लोग, तो गड्ढा के पास हम लोग क्रिकेट खेलते थे, गड्ढा नहीं था उस समय। दौड़ के दिखाओ जुनैद, रोजा रखे हो बाबू? दौड़ के दिखाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ। रोजा रखे हो बाबू? हैं, वाह, तो तुमको दौड़ के अभी मांडर पहुंच जाना चाहिए जी। बस 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 बस,
पहले ये सब घर भी नहीं था, अब तो घर भरते जा रहा है। पहले खाली सब में पेड़ था इधर, उस समय पीछे तरफ तुम्हारा फॉरेस्ट का पीछे तरफ वही तो फॉरेस्ट का पीछे तरफ रंगीन चिड़िया रास्ता था, लेकिन रंगीन चिड़िया तो ऐसे भी रहा। हाँ मतलब दूसरा जगह से आता था गर्मी टाइम, क्या बोलते हैं उसको, वो हाइबरनेशन होता है। माइग्रेशन। हाँ माइग्रेशन करता है, आजकल तो कम हो गया, पहले ज्यादा आता था। हाँ पहले वही ना, आदमी लोग भर गया, फिर इधर ये तुम्हारा वो सियार सियार रहता था, जैकल। और दादी बताती है कि कौन वो इस जंगल में बाघ का पूंछ को काट दिए थे। यहाँ पेड़ मिलता है जो पहाड़ी इलाका में मिलता था, वो पेड़ लगाया गया है यहाँ। इसका फल गिरता है, पहले हम लोग छोटा में लट्टू बना के खेलते थे इससे। इसका फल बड़ा अट्रैक्टिव लगता है जो नया पौधे गिरा हुआ। उसको लेके आइए तो बाबू, इधर से उतरिए तो उसको लेके आइए। जा जी यही है उसका फल, इसको अच्छा सा आदमी पेंट करते हैं घर में, बेचता भी तो है। किसी का बिजनेस तुम शुरू करते हैं? नहीं कहीं कहीं बेचता है नहीं, मेडिकल दवा बोल के कहीं बोलता है कि इसको रखने से छिपकली भागता है। मुरब्बा, इसको मुरब्बा बोलते हैं ना, ये जो है मुरब्बा का पौधा बोला जाता है, आदमी नाम रख दिया वाला। छोटा थे तो सोचते थे मुरब्बा का पौधा माने इसी से मुरब्बा बनता है। पहले ये सब घर कुछ नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा घर बनते जा रहे। पहले इधर साइकिल चलाते थे, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का पीछे वाला गेट, आगे भी गेट है बड़ा सा, अगर राउंड जाएंगे तो दिखाएंगे। जुनैद आप लोग को दिखाएगा आज, हम लोग का जुनैद तो बहुत कमज़ोर निकल गया तुरंत थक गया। हाँ जी थक गए, बोलिए अभी दौड़ देंगे यहाँ से घर तक। जो रास्ता तो पता है, दौड़ के जाने से क्या रास्ता तो उधर से इधर तक घूम के वापस आ गए। जुनैद तो पूरा थक गया, तो अगर इसको चाहिए एनर्जी ड्रिंक तो हम लोग अभी इफ्तार करेंगे अच्छा से पेट भर का। जुनैद तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू। जगह देंगे बोलता है नहीं यार, और नज़दीक हो